फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एनालिटिकल सुमन। दोस्तों, बहुत जगह माइक्रोटेक या कोई कंपनी हो लेकिन आज की प्रॉब्लम सिमटी होने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग रिपेयर कर भी नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं माइक्रोटेक में ओवरलोड की। अब देखिए कि माइक्रोटेक का ये 24x7 यानी कि 2400 घंटा काम करेगा, सातों दिन काम करेगा, वही 24x7। और ये हो गया आपका न्यू मॉडल के SMD। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में लगभग आप देखिएगा तो बहुत सारा कॉमन चीज है, सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाता है, वही है थोड़ा बहुत। और बाकी देखिए तो इसमें भी लगा है LM358। कितना LM358 और इसमें उसका कोड दे दिया गया है U3। अब चलिए इससे बात करते हैं कि ये ओवरलोड और चार्जिंग दोनों का काम करता है, यानी कि अगर ये इसलिए खराब हो जाएगा तो ओवरलोड बंद हो जाएगा और चार्जिंग बंद हो जाएगा, या फिर ओवरलोड काम नहीं करेगा, चार्जिंग काम नहीं करेगा। यू हो सकता है कि चार्जिंग करे तो करते रह जाए, ये भी हो सकता है कि चार्जिंग ना करे, ये भी हो सकता है। इसमें सस्पेंस चार्जिंग करेगा तो करते रहेगा, एम्पियर बढ़ते चला जाएगा, मॉस्फेट उड़ा देगा। तो इतना सब कुछ इस विभाग से गड़बड़ से होता है। अब इसके साथ में ये देखते हैं इसमें भी वही ऐसी लगा हुआ है, तो हमको लगता है कि आपको भी भाई लगा है वही भी भरवा है तो सेम टू सेम प्रॉब्लम करेगा, सही भी सेम टू सेम करेगा। अब आप ऐसा बोल रहे कि आप ऐसा कहे मिला, तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि कुछ हट के बनाइए सर, सिर्फ स्कूल जैसा खड़ा होकर इससे आप बता रहे हैं कि ये करो वो करो, तो स्कूल में पढ़ पढ़ के तो मन पकड़े ना कि हम यहाँ भी और लोग पकड़ा थे, इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ मनोरंजन हो, इसलिए हम सोचे कि चलो भाई हम भी कुछ अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट करें। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट में दीजिएगा कि भैया ऐसा अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं की तरह बनाइए, तो कोई नहीं की तरह बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब चलिए इसमें क्या है इसका डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि जो IC है 8 पिन का है, इसमें आपको 8 पिन लगा हुआ है, जिसमें पिन नंबर जो 4 है वो अर्थ है सीधे ग्राउंड कर दिया गया है। अब पिन नंबर जो उसमें 8 को 12 वोल्ट दे दिया गया है और पिन नंबर 4 को ग्राउंड कर दिया गया है, बाकी बचा आपका 1, 2, 3 इधर 5, 6, 7 ये तो गिनती होगी। तो 1, 2, 3 जो है वो आपको दे दिया है सीधे आपका ओवरलोड के लिए। अगर ओवरलोड का प्रॉब्लम होगा तो 1, 2, 3 से जुड़े हुए सामान को कंपोनेंट्स को पार्ट्स को हम चेक करेंगे, अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम होगा तो 5, 6, 7 को हम देखेंगे। तो जो 5 है इसमें आपको 8 पिन के द्वारा सीधे दे दिया गया है माइनस से, सोच से नहीं, माइनस और सोच में क्या अंतर है, बहुत लोग यहीं पर लड़ रहे थे जब आ जाते हैं हमारे हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर 81 लगा हुआ है, 81 के बाद आपको यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपको दिखा दे रहा है। ये है देखिए यहाँ पर है माइनस और ये जो लोड रेजिस्टेंस के बाद चलेगा ये हो गया आपका सोर्स, उसी तरह इसमें भी है यहाँ पर फ्यूज के बाद ही इसका उपयोग ले लिया गया, यानी कि हो गया माइनस आपका, ये हो गया आपका सोर्स, यानी कि फ्यूज का ही हम इस्तेमाल ले लिया गया है इसमें। तो अब होता है कि आपका सीधा माइनस है और यहाँ भी सीधे आपका माइनस है, तो माइनस सीधे 5 वोल्ट से पिन नंबर 5 पर चला गया है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पिन नंबर 3 पर माइनस चला गया है जो है RI इसका को, और C2 से 4 और अर्थ पर दिया गया है ताकि कपलिंग बना रहे, वोल्टेज नॉर्मली ठीक रहे। पिन नंबर 6 पर आपको 120 के R8 के द्वारा कंडेंसर को दिया गया है निगेटिव को, और उसके पॉजिटिव को सीधे दे दिया गया है पिन नंबर 7 पर, जबकि पिन नंबर 7 और 6 के बीच में PNP लगा दिया गया है
और जो सात है उसको 4.7 के से आपको ऑफ कर दिया गया है, यानी कि माइनस में ग्राउंड कर दिया गया है। और फिर आर 15 के द्वारा इसी ले चला गया है प्रोग्रामिंग आईसी के पिन नंबर 13। पिन नंबर 13 का है, पिन नंबर 13 आपको चार्जिंग सेंसिंग पिन है। ये हो गया चार्जिंग सेंसिंग पिन का। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सोर्स से 1.5 के यानी कि R3 के द्वारा पिन नंबर 6 पे दे देगा। वही से कंडेंसर है आपका C5 2.0 में। तो और आपका यहाँ का सेक्शन पूरा हो गया। अगर आपको चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले पिन नंबर 13 पर देखिएगा। पिन नंबर 13 पर अगर वोल्टेज कम या वैसे या कुछ डाउट हो तो यहाँ पर आकर देखिएगा। D7 से आपको जो D7 है इससे आपको सीधे निगेटिव पर से दिया गया है, यानी पिन नंबर D7 पर आपको पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर, और निगेटिव है IC पर। और ठीक उसी तरह पिन नंबर 3 है, इस पे भी R4 के द्वारा सिग्नल दिया गया है। कहाँ से? तो आपको दिया गया है सोर्स से, ना कि माइनस। और वो सिग्नल सीधे आपको पिन नंबर 3 पे दे दिया गया है। और माइनस और माइनस से आपको एक पीएफ लगा दिया गया है आर स्विच पर, यानी कि 110 ओम पे दे दिया गया है। और वहीं पर R11 वोल्ट के से आपको पिन नंबर 2 पे दे दिया गया है सिग्नल। और वहीं पे एक कंडेंसर लगा दिया गया है ताकि उसकी जो कपलिंग है करती रहे, कंडेंसर फिल्ट्रेशन करता रहे। और उसके बाद है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के बीच में C1 एक पीएफ दे दिया गया है ताकि यहाँ पर कुछ ग्राउंड वजह से कुछ वोल्टेज में ड्रॉप और जो कपलिंग है करता है। उसके बाद पिन नंबर 16 से आपको 1 द्वारा पिन नंबर 14 को दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये ओवरलोड सेंसिंग के लिए हो गया, और ये हो गया आपका चार्जिंग सेंसिंग। तो चार्जिंग ओवर बहुत कम खराब होता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरलोड होने लगता है। हम लोग परेशान रहते हैं यहीं पर, जो हम लोग परेशान हैं इसी 11358 यानी U3A पर लोग परेशान रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ओवरलोड जो है यहाँ से भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि D16 और D22 ये कहाँ से है, तो आप देख सकते हैं कि MOSFET लगा हुआ है यहाँ पर है आपका, यहाँ देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं यहाँ पर 216 और 322 आपको बाइसिंग मिल रहा है MOSFET के बाइसिंग से। तो वहाँ से आपको R58 के द्वारा इसके बेस पे दे दिया गया है Q19 के बेस पे दे दिया गया है। और Q19 का जो कलेक्टर है आपको प्रोग्रामिंग आईसी के पिन नंबर 17 पर चला जा रहा है, ठीक। और एक 10 किलो रेजिस्टेंस के द्वारा उसको बाइसिंग को और कर दिया गया ताकि उचित बाइसिंग मिले, ज़्यादा मिलेगा तो हमेशा वो ओवरलोड दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपका MOSFET का बाइसिंग गड़बड़ हो गया, यानी कि किसी एक पर MOSFET बाइसिंग ज़्यादा आ रहा है। जब MOSFET बाइसिंग ज़्यादा आएगा तो होगा क्या कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो पिन नंबर 7 का वोल्टेज आपको क्या होगा कि ड्रॉप कर देगा। जब ये ऑन होगा तो ड्रॉप हो जाएगा तो ओवरलोड दिखा देगा। और बहुत जगह बहुत सारा ऐसा कंप्लेंट आता है कि परेशानी है यहाँ पर और ढूंढा जा रहा है यहाँ पर, परेशानी है यहाँ पर ढूंढा जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है ना कि भैया जानकारी दे लीजिए, न तो सांप का मंत्र नहीं जानिएगा, जान रहे हैं आप सीधे उसकी बिल्ली में हाथ लगा दीजिए। तो क्या होगा बस ये लगा ना उस समय यहाँ सांप का मंत्र पहले जान लेंगे उसके बाद कह जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कहिएगा, और अच्छा लगा तो इसी तरह का वीडियो बनाएंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर जैसे बनाते थे सीधे नॉर्मल वैसे बनाएंगे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है,
जिसे इन्वर्टर स्टेबिलाइजर के बारे में जानना हो और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कोर्स करना हो आप कर सकते हैं।